उपाध्याय, क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल कोर्ट जल्द निपटारा करे, क्या इसके बाद ये मामला खत्म समझा जाए सुप्रीम कोर्ट से? जी नहीं शोभना, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जारी है और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अहमद हुज़ैफा अहमदी की तरफ से कहा गया है कि अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धर्मस्थलों पर लागू है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि क्या निचली अदालत में ये मामला चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। वहीं जजेस की तरफ से यह भी पूछा गया है कि वादी के लिए निचली अदालत में कौन वकील है। जजेस की तरफ से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, चाहे आवेदन के वक्त को लेकर हो, किस तरीके से सीलिंग, लेकिन कोर्ट ने जो सीलिंग की तरफ से अका आदेश दिया है उस पर कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया। अहमदी जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से जो पूरे आर्गुमेंट का प्रमाइसेस है मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो ये है कि लोअर कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई नहीं हुई, सीलिंग का आदेश दे दिया गया और जो भी आदेश दिया गया उससे ज्ञानवापी मस्जिद का नेचर चेंज होता है, उसकी स्थिति चेंज होती है और ये वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का और इसी के लिए इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये पक्ष। और उसका कहना है कि इस मामले के ऊपर कोर्ट की तरफ से जो निचली अदालत से आदेश दिए गए हैं उन पर रोक लगाने वाला आदेश दिया जाना चाहिए और इस मामले में कार्रवाई की अपील की गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब भी सुनवाई चल रही है, लगातार कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो जजेस की तरफ से मांगे गए हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे मांगे गए हैं और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से कहा गया है कि निचली अदालत से सीलिंग का आदेश पारित हुआ, साथ ही जिस आधार के ऊपर अजय मिश्रा को हटाया गया है वाराणसी कोर्ट की तरफ से आज आए आदेश के अंदर उसका हवाला हुज़ैफा अहमदी ने भी दिया। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आवेदन का जल्द निपटारे का आदेश देने की बात कही वो मेंटेनेबिलिटी पे है, यानी मुस्लिम पक्ष का वह आवेदन जिसमें सुनवाई को ही चुनौती दी गई है। तो यह पूरा जो आर्गुमेंट का प्रमाइसेस है वो यही है कि जिस आवेदन के लिए जल्द निपटारे का आदेश देने की बात कही जा रही है वो मेंटेनेबिलिटी का है, यानी मुस्लिम पक्ष यह आवेदन जिसमें सुनवाई को ही चुनौती दी जा रही है उस पर बात करता है। और जिस तरह मैं कह रहा था कि वाराणसी कोर्ट में जो आदेश आज आया है उसका भी जिक्र हुज़ैफा अहमदी की तरफ से कहा गया कि गोपनीयता भंग हुई, कमीशन का काम होता है गोपनीयता से काम करना, इसकी भी शिकायत हुज़ैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से की। हालांकि सुनवाई के दौरान ही वाराणसी सेशन कोर्ट से भी फैसला आया, आदेश आया और उसमें मैं अजय मिश्रा को हटा दिया गया है, जो सर्वे कमिश्नर हैं उसके पद से, उसकी जिम्मेदारी से उन्हें हटा दिया गया है। और यही मांग, यही जो आग्रह है ये सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि गोपनीयता नहीं बरती गई जिस तरीके से कार्यवाही हुई है इस पूरे मामले के अंदर। शिवलिंग मिलने की जो बात कही गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, अजय मिश्रा को हटाने की खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और पढ़े मुझे बड़ी हैरानी है क्योंकि अभी चंद सेकंड पहले ये बनारस कोर्ट में फैसला आया और जो वकील है हुज़ैफा साहब उनके पास ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने इसको मेंशन भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने। देखें आपकी अहमदी की तरफ से यह भी कहा गया, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता दूं, उनकी तरफ से कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट जमा हुए बिना मुस्लिम पक्ष को सुने बिना निचली अदालत ने सीलिंग का आदेश दे दिया, ये गलत है। यानी एक तरीके से जो मुस्लिम पक्ष के उसकी तरफ से जो अपने राइट्स हैं उनके ब्रीच का आधार बनाते हुए कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई, इसी आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, ये आधार बनाने की कोशिश हुज़ैफा अहमदी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट के अंदर सुनवाई में उनकी तरफ से कहा गया है कि निचली अदालत में उन्हें नहीं सुना गया और अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक अभी बेंच के दोनों जज संभावित आदेश पर आपस में भी चर्चा कर रहे हैं, यानी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा, इन दोनों के बीच में इस समय कोर्ट में बातचीत हो रही है। हमारे सहयोगी निपुण सहगल लगातार कोर्ट नंबर 4 में मौजूद हैं जहां यह महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर मुस्लिम पक्ष इस अपील के साथ, इस दलील के साथ पहुंचा है कि निचली अदालत में। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, और ये बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, दो जजेस की बेंच जस्टिस नरसिम्हा और डीवाई चंद्रचूड़ इस समय इस फैसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं, हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में अंदर भीतर मौजूद है निपुण सहगल, उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। प्रणय, इस चर्चा के बहुत मायने हो जाते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं बनारस कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, सारा सस्पेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। देखिए यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो हैं वो भी अपियर हुए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हरिशंकर जैन को हृदय की समस्या है और वो हॉस्पिटल में है, यानी जो दूसरे पक्ष के वकील हैं उनकी का हवाला दिया गया है कि उनके मामले पर कि वो फिलहाल कोर्ट में नहीं है। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर अपियर हुए हैं। जज, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जजेस की तरफ से कहा गया है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं इस मामले के अंदर, यानी ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, नोटिस जारी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए, इसका संज्ञान लेते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है इस पूरे मामले में। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था
कि सिविल कोर्ट इस पूरे मामले का फैसला करे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है। पल पल का सबसे पहला अपडेट हम एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, निपुण सहगल कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, प्रणय हमें पल पल का अपडेट निपुण से लेकर बता रहे हैं। निपुण, ये नोटिस जारी करने की जो बात है इसको कैसे समझा जाए? देखिए, नोटिस निश्चित रूप से अगर कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया, इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने इस चीज के अंदर कुछ आधार माना है और उसके बाद इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन क्या हो सकते हैं बाकी पक्ष जो हैं उनकी तरफ से भी इसके अंदर कहा गया है। हम यूपी सरकार से भी, जजेस की तरफ से एक और टिप्पणी आई है, मैं बता दूं शोभना आपको, जजेस की तरफ से कहा गया कि हम यूपी सरकार से भी मामले में सहायता चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस समय कोर्ट में मौजूद हैं और साथ ही हिंदू सेना के वकील की तरफ से भी अदालत में कहा गया कि हमें भी याचिका की कॉपी दी जानी चाहिए। जजेस की तरफ से इसे स्वीकार किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है जजेस की तरफ से कि ठीक है, इस मामले में आपको भी कॉपी मिल सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि उत्तर प्रदेश से भी सहायता की मांग कोर्ट ने की है। कोर्ट ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस मामले में सहायता चाहेंगे। जजेस की तरफ से एक और टिप्पणी की गई है कि अभी निचली अदालत से जारी सीलिंग का आदेश पढ़कर सुना रहे हैं। इस समय जजेस की तरफ से जो निचली अदालत की तरफ से जारी सीलिंग का आदेश था वो फिलहाल पढ़ा जा रहा है। एक एक पल का अपडेट निपुण हम तक पहुंचा रहे हैं कोर्ट के अंदर से और हम एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो कोर्ट के अंदर कार्यवाही चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर और इस पूरे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कुछ दलीलें दी गई वो हमने अब तक आपको बताई। इसकी तरफ से इसके अलावा जजेस की तरफ से जो कहा जा रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि जजेस की तरफ से इस समय जो निचली अदालत की तरफ से दिया गया सीलिंग का आदेश जो कल शाम को आया था, जिसके अंदर जो पॉन्ड था, जो कि जो तालाब था जहां पर सीलिंग कर दी गई थी, जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी निचली अदालत की तरफ से, उस आदेश को फिलहाल जजेस की तरफ से भी पढ़कर सुनाया जा रहा है कि यह आदेश आया था। अब देखना होगा कि जजेस की तरफ से क्या टिप्पणी दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस समय मौजूद हैं कोर्ट के अंदर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।